हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको परिवारिक संस्था के लिए कैसे आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था तो आप परेशानी होती थी, अब ऑनलाइन होता है, अब ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले आप वेबसाइट में डालना है, यहाँ डालना OFMCS। तो जैसे आप ये डालेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई वेबसाइट ये खुल जाएगी। तो इस तरीके से खुलेगी, तो आपको ये लिखा है कि आवेदन करने के लिए मोबाइल तथा ईमेल दोनों पर OTP द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो ये लिख के आ रहा है और इसमें आपको कोई पैसे ऐसे नहीं देने। ये वेबसाइट अभी बीटा ट्रायल मोड पर है, अप्लाई करते समय कृपया सही जानकारी भरें। और इसमें आप जैसे आपने नए यूजर हैं तो इसमें ये भी दिया भी है कि गलत जानकारी वाले आवेदन निरस्त दिए जाएंगे, एक ही आवेदन को बार बार ना करें, एक मोबाइल से अधिकतम दो आवेदन भरे जा सकते हैं। वेबसाइट का कंटेंट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया, सर्वाधिकार स्वच्छित जिला प्रशासन कानपुर नगर प्रमाण पत्र सत्यापन करने के लिए क्लिक करें, ये दिया। तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट खोल लेनी, उसके बाद आपको ये पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपका आएगा एक शपथ पत्र बनना होता है, तो एक आगे इसके आगे एक वीडियो है जिसमें शपथ पत्र के बारे में बताया गया कि आपको शपथ पत्र कैसे बनवाना है उसके बारे में। तो आप वीडियो पूरा देखें और आगे शपथ पत्र के बारे में दिया गया। ऑनलाइन फैमिली मेंबरशिप सर्टिफिकेट सिस्टम में अप्लाई करने के लिए अगर आप यूज़र नहीं हैं तो सबसे पहले नॉट अ यूज़र में साइन अप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाइड और मोबाइल नंबर वेरीफाइड करेंगे। और ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पहले से इस्तेमाल न किए गए हों। एक लॉगिन पर आप दो अधिकतम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज़र बनाने के लिए आपको नाम, जेंडर, एड्रेस, शहर जो कानपुर नगर इसमें है पहले से, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी की इसमें आ रहा है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद आपके ईमेल पे एक OTP आएगा और डिटेल आएगी आपकी, पासवर्ड जो आपने सेट किया वो आएगा। ध्यान रखिए इस फॉर्म में आपको हिंदी में नहीं भरना है, फॉर्म आपको इंग्लिश में भरना है। और जब आप अप्लाई करेंगे मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए तो भी आपको इंग्लिश में ही भरना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की डाला और हमारा यूजर आईडी क्रिएट हो गया। यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद हम होम पेज में जाएंगे और दोबारा लॉगिन करके जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया है, यहाँ यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने रखा है लॉगिन क्रिएट करते समय वो होगा। अब देखिए आप एक बार लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में देखेंगे कि दो ऑप्शन आएंगे, उन दो ऑप्शन में एक ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा और एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। आपको दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो जो आपने मेल आईडी दी है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको डाल के ईमेल आईडी एक्टिवेट करनी है और इसी तरह से आपको मोबाइल नंबर भी एक्टिवेट करना है। हम स्क्रीन पर भी देखेंगे इसको। आपका एक मेल आया OFMCS की तरफ से, एक्टिवेशन कोड आया है। इस एक्टिवेशन कोड से आप लॉगिन को एक्टिवेट करेंगे। फिर आप वेरीफाई योर मोबाइल नंबर में जाएंगे और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल वेरीफाई करेंगे आपको OTP आएगा, जनरेट OTP पे क्लिक करिएगा और OTP आएगा, फिर आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद आपका ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है
वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। देखिए इसके बाद अप्लाई में लिंक इनेबल्ड हो गया है, आप अप्लाई करेंगे इसको। अप्लाई में ध्यान रखिए आवेदक का नाम सब कुछ इंग्लिश में डालना है आपको, और एड्रेस इसमें जो कॉलम है बता दूं आपको, आवेदक का नाम मतलब वो होगा जो आवेदन कर रहा है, और इसमें मृतक का नाम नहीं है, मृतक का नाम नीचे आपको दिखेगा उसमें आपको मृतक का नाम डालना है। आवेदक कोई भी हो सकता है, और इसमें मृतक के पिता और पति का नाम भी है, पिता या पति का नाम, और आवेदक से क्या संबंध है वो आपको लिखना है। तो अधिकतर फैमिली का मेंबर ही इसको अप्लाई करता है, फैमिली मेंबर का नाम होगा और फैमिली के मेंबर का आवेदक जो आवेदक हुआ उसके जो मृतक है उनसे क्या संबंध है वो आपको यहाँ चुनना है, और किस दिनांक को उनकी मृत्यु हुई है वो आपको उसमें चुनना है। देखिए बाय डिफॉल्ट जिसमें आवेदक है उनका नाम आ जाता है इसमें। आपको इसमें आयु जरूर भर देनी है, कोई भी फील्ड जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म एडमिन लेवल पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको सदस्यों के नाम डालने हैं, और सदस्यों का जो संबंध है मृतक से वो डालना है। आयु आपको जरूर डालनी है, और इसमें जो जनरल जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप जोड़े के बटन में दबाएंगे तो आपको एडिशनल परिवार के सदस्यों के नाम आते जाएंगे, आपको फिल करना है। एज जरूर ध्यान से भरिए उसको, अगर कोई चीज आपको लगता है कि आपने गलत भर दी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जोड़े के बगल में एक बटन है हटाएं, आप हटाने का ऑप्शन क्लिक करके आप हटा सकते हैं। स्टेप फाइनल करने से पहले आपको देख लेना है आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं, गलत फॉर्म भरेंगे तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है, इसलिए फॉर्म को गलत ना भरें। हिंदी में आप फॉर्म भर नहीं सकते, इसलिए कोशिश करिए कि फॉर्म को सही भरा जाए। इसके बाद जब आप आवेदन पहला स्टेप को कर लेंगे, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। आप अगर मोबाइल से सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, इस वेबसाइट को चला रहे हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट कैमरा ऑन करके अपना फोटो खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फोटो आपने अगर खींच ली है फोटो तो उसको उसका साइज थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा साइज को ये अपलोड नहीं करेगा। देखिए हम डैशबोर्ड पे आ गए, अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन में जाना है, और फिर वहाँ से जो आपने एप्लीकेशन के भरी है उसको चुनना है, उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। आप एक एक प्रकार में कई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रमेश कुमार हैं, इनके डॉक्यूमेंट आपने डाल दिए, तो इनके अगर दो डॉक्यूमेंट हो दो डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। दस्तावेज का विवरण जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको छोटी सी डिटेल लिखनी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे रमेश कुमार का रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपने डाल दिया, इसमें कुछ जो कमेंट भरना है आप वो आपको भरना है इसमें, और आपको वो अटैच करते जाना है बारी बारी से, स्क्रीन को देखते रहिए। विवरण मांगने का कारण इसमें यह है कि इनके साथ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगाते हैं जो इसके लिस्ट में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, इसमें आप अपलोड करते जाइए। अगर लगता है कि आपको कोई गलत अपलोड हो गया तो डॉक्यूमेंट के सामने डिलीट का बटन है, उसको आप डिलीट करके आप हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप करके छोड़ सकते हैं, आप इसके पास ही बटन बना होगा कंप्लीट एप्लीकेशन, तो कंप्लीट एप्लीकेशन जब आप करेंगे, जब आपको लगे कि आपका एप्लीकेशन पूरा हो चुका है, उसके बाद इसको
आप कंप्लीट कर देंगे, मतलब उसके बाद कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा। ये स्टेप टू है, आप ध्यान से सोफ्टवेयर डालिए। उसको करने के बाद इसमें आप जब कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये स्वतः SDM ऑफिस में पहुंच जाएगी और फिर उनके स्तर से इसको फॉरवर्ड आगे किया जाएगा संबंधित लेखपाल को, और फिर वो अपने घर पे आख्या लगाएगा के या कैसे व्याख्या लगाता है वो लगाएगा अपने मोबाइल के थ्रू। और सारे प्रक्रिया होने के बाद आपके सी लॉगिन पे एक डाउनलोड्स का बटन दिया हुआ है, देखिए मेन्यू में डैशबोर्ड प्रोफाइल और डाउनलोड। डाउनलोड में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका आ जाएगा, इसमें आपको उसे डाउनलोड करना है क्योंकि वो साइंड रहेगा, वो OTP से वेरीफाइड रहेगा SDM साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल के लॉगिन से। तो तीन अलग अलग मोबाइल से इसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और ये सर्टिफिकेट जनरेट जो होगा ये ऑनलाइन वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं, इसका भी लिंक उसी सर्टिफिकेट पर दिया रहेगा। तो देखिए आप अपलोड डॉक्यूमेंट का काम लगभग पूरा हो गया है, ये एक सैंपल है। अब कंप्लीट करने के बाद आप देखिए कि आपका डिटेल इसमें शो करता है और जहाँ पे स्टेटस देखते हैं आवेदन की स्थिति, आप लॉगिन करके बार बार बीच बीच में देख सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है, इसमें स्थिति आ जाएगी और फिर करंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि कहाँ का आपका एप्लीकेशन पहुँच बनेगा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में बनेगा, उसमें नोटरी होगी, तो आपको लिखना है समस्त श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय कानपुर नगर शपथ पद में जानिब, यहाँ पे नाम लिखना है जो आवेदन कर रहा है, उम्र लगभग वो लिखनी, पुत्री किसकी है वो लिखना है, या पुत्र हो तो वो लिखना है, निवासी है कहाँ के ये लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है शपथकर्ती, मैं उपरोक्त शपथकर्ती निम्नलिखित बयान करती हूँ। नंबर 1 ये कि शपथकर्ती उपरोक्त दिए गए पति की मूल निवासिनी है तथा इस शपथ पत्र में दिए गए सभी बातों की बाखूबी जानकारी रखती है, या अगर कोई पुरुष दे रहा हो तो जानकारी रखता है वहाँ लिखना है। उसका नंबर 2 ये कि शपथकर्ती के पिता स्वर्गीय की नाम लिखना है कि मृत्यु दिनांक कौन सी दिन उनकी मृत्यु हुई थी हो गई थी तथा माता महारानी की मृत्यु दिनांक इस दिनांक को हो गई थी तथा शपथकर्ती के भाई की मृत्यु दिनांक इस दिन हो गई थी, यहाँ पे दिनांक लगे, और सभी का सर्टिफिकेट मृत्यु सर्टिफिकेट यह आवश्यक होता है को हो गई थी तथा माली राम की मृत्यु दिनांक इतने वो दिनांक डाल दे हो गई थी, मृत्यु के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। उसका नंबर 3 ये कि शपथकर्ती के माता पिता की मृत्यु के उपरांत उनके निम्नलिखित वारिसान है, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है कौन है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है इसमें लिखना है मृत्यु जिनकी है उनसे संबंध, और तीसरे में लिखना है आपको उम्र, जितने सदस्य है तो उसमें नंबर 1, 2, 3 जितने भी आपके सदस्य हों लिख दें और उनके आधार कार्ड। उसके बाद नंबर 4 ये कि शपथकर्ती के परिवार में उपरोक्त सदस्यों के अलावा अन्य कोई जीवित वारिसान नहीं है। इसके बाद 5वां नंबर ये कि शपथकर्ती को अपने माता पिता की पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उसे जारी किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक हो गया। शपथकर्ती उसका सत्यापन, मैं शपथकर्ती सत्यापित करती हूँ शपथ पत्र की धारा 1-5 मेरे निजी ज्ञान में सब सच व असही है, कोई बात असत्य नहीं और ना ही कोई तथ्य छिपाया गया, परमेश्वर मेरी मदद करे। ये सत्यापन देना आज को कचहरी परिसर कानपुर में किया गया शपथकर्ती। ये दोस्तों इसके जो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा इसे आपको नोटरी करा लेना है। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन सबसे पहले, उसके बाद 2 रुपये टिकट उसी में लगा के, उसके बाद शपथ पत्र, उसके बाद जितने मृत्यु प्रमाण पत्र वो लगा दें, और जो उसमें वारिसान उन सब के आधार कार्ड, ये जाके आप अपना उप जिला अधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ जमा कर दें, फिर वहाँ से आपके लेखपाल या जो जाँच करता होगा वो जाएगा और जाँच करेगा, आपका मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और आपको PDF भी मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।